लॉकडाउन की वजह से हो रही है। लॉकडाउन बगैर किसी से मशवरा किए वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, ना कोई टाइम दिए, ऐलान कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस लॉकडाउन के अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से आज भारत के हर बड़े बड़े शहरों में, मैं हैदराबाद की मिसाल दे सकता हूं, तेलंगाना की मिसाल दे सकता हूं, जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के खासतौर से सीमांचल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, कोई परेशान हाल नहीं होगा। ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने अलल ऐलान कहा कि ये तमाम के तमाम तेलंगाना के हमारे भाई हैं, इन मेरी रियासत में केसीआर ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी चीफ मिनिस्टर ने सलाह का बयान नहीं दिया। और यहां की तेलंगाना की हुकूमत ने उन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, उनके लिए राशन का इंतजाम किया, उनको 500 रुपए देने का इंतजाम किया, आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर उनको खाना भी दिया जा रहा है। मैं तेलंगाना की हुकूमत के इस इकदाम पर उनको मुबारकबाद भी देता हूं। मगर आप बताइए, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत गरीब परेशान, रोजगार नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, क्या किया वजीर आजम आपने? ठीक है, आपने पीडीएस को जारी किया, 77 मिलियन टन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमारा गोदाम भरे हुए, छोड़िए ना उसको, प्रधानमंत्री जी किस दिन के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इतना सामान, अकाउंटिंग के लिए छोड़िए उसको, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से पूरे भारत के स्टेट्स को दीजिए, आप जो जो एफसीआई में पूरे स्टेट्स को दीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, भूखे हैं लोग, उन लोगों को दीजिए जो लंगर लगाते, जो खाना पकाकर गरीबों को खिलाएंगे। 77 मिलियन टन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस दिन के लिए, क्या करेंगे हम? अमेरिका को तो आप दवाएं दे सकते हैं, भारत आप नहीं देंगे? 77 मिलियन टन रखा हुआ है एफसीआई में, इसी आज ही ऐसे दिनों के लिए तुमने किया था। मैं लॉकडाउन अगर आपको बढ़ाना है वजीर आजम, ये आपका फैसला है, मगर लॉकडाउन अगर आप बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन उसी वक्त कामयाब होगा जब एक एक गरीब के अकाउंट में आप कम से कम 5,000 रुपए डालेंगे। डालिए 5,000 रुपये, अगर बजट को खत्म करना है खत्म करके नया बजट लीजिए, अगर नोटों को छापिए नोटों को। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सही कहा, यह वक्त जान बचाने का है, गरीब या तो गरीब कह रहा है कि हम कोविड से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे, कहां जाएगा गरीब बताइए आप? मैं वजीर आजम से अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं कि आप लॉकडाउन अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्टेट्स को, हमारे तेलंगाना में 85 लाख व्हाइट रेशन कार्ड होल्डर्स है कि एक एक व्हाइट रेशन कार्ड होल्डर के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। लॉकडाउन आप बढ़ाइए, लॉकडाउन कहां उस वक्त होगा, कब तक हम गरीबों को रोक पाएंगे, उनको खाने की जरूरत है। यकीनन तेलंगाना में यहां की सरकार आउट ऑफ द वे जाकर 2 महीने का राशन भी दे रही है, अब 1500 रुपए गरीब अकाउंट में भी जमा किए जाएंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी ये भी कहना चाहूंगा, 5 MP जिनके उनको बुलाया और जिसके 5 MP से कम पार्टी से उनको नहीं बुलाया, वजीर आजम आपने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया हमारी आवाज को, हमारी बात को सुनने का। आप अंदाजा लगाइए कि देश के वजीर आजम ने किसको नहीं बुलाया, असदुद्दीन अवैसी के 2 MP हैं, मैं और इम्तियाज जलील औरंगाबाद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 MP हैं केरला के, बदरुद्दीन अजमल है 1 MP के, आप जानते हैं कि केरला में सबसे पहले वहां पर शुरू हुआ, आप उनको बुलाते, प्राइम मिनिस्टर बुलाते तो केरला की हकीकत सुन लेते, अगर आप हमको बुलाते तो मैं सब बातें आपसे करता कि कैसे कोरोना जिहाद के नाम पर देश में इस तरह की हरकतें की जा रही है। मैं आपसे कहता वजीर आजम कि आप अगर लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो आप 5,000 रुपए गरीबों के अकाउंट में डालिए। मैं आपसे कहता कि हमारे मुल्क में हमारा हेल्थ का एक्सपेंडिचर 9% है, कहां मुकाबला करें? Peace, Allah. Ay, Habibi, Khuda.